हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको कोऑर्डिनेट का एमसीक्यू कराने जा रहे हैं। बेटा, हमने कोऑर्डिनेट का पहले इंट्रोडक्शन डाल दिया बेटा, उसमें हमने आपको बहुत अच्छे से बताया था कार्टेशियन प्लेन होता क्या है। ठीक है बेटा, तो कार्टेशियन प्लेन जो है वो तो आपको क्लियर हो गया होगा, आपने मेरी पहली लेक्चर देखी होगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, और अगर नहीं देखी है तो मेरे पोटेंशियल मैथ्स जो है चैनल पे जाके उसको ज़रूर देख लीजिए। ठीक है बेटा, तब आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए बेटा, एमसीक्यूज जो है जो हम आपको बता रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ये क्या है, ये एग्जाम में बहुत आते हैं, वन वर्ड में बहुत आते हैं, क्लास 10th में, क्लास 9th में, क्लास 8th में, सभी में आते हैं बेटा, और कंपटीशन में भी आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो इसलिए आज इसको एकदम बेसिक से आप लोग समझिए तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या है बेटा, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट -7 -4 लाई। तो सबसे पहले आप देखिए, ये जो क्वाड्रेंट होता है तो वो क्या होता है बेटा, पहले वाले को हम बोलते हैं, देखिए फर्स्ट, इसको बोलते हैं सेकंड, इसको बोलते हैं बेटा थर्ड, और इसको बोलते हैं बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है ना, इस क्वाड्रेंट में बेटा क्या होता है, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका होता है बेटा, तो उसमें यहाँ पर क्या होता है बेटा, सभी पॉइंट प्लस प्लस होते हैं बेटा। इसमें क्या होता है बेटा, हम आपको पहले भी बताए थे जो उसमें, तो उसमें बताया था ये माइनस प्लस होता है इंट्रोडक्शन वाले में। फिर इस वाले में क्या होता है बेटा, पहला वाला क्या होता है, ये वाला बेटा होता है माइनस, इधर होता है फिर प्लस। अब इस वाले में होता है बेटा बोथ माइनस, ठीक है ना, और इस वाले में क्या होता है बेटा, ये वाला होता है प्लस, पहला वाला, और दूसरा वाला क्या होता है माइनस। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, सारे पॉइंट जब इस क्वाड्रेंट में होते हैं तो वो प्लस प्लस के होते हैं, सारे पॉइंट जब यहाँ से यहाँ तक के क्वाड्रेंट में होते हैं तो वो माइनस और प्लस होते हैं, जब कोई भी पॉइंट इस वाले थर्ड क्वाड्रेंट में होता है तो उसका क्या होता है माइनस माइनस, और इसका क्या होता है प्लस माइनस। ठीक है बेटा, तो अब आप देखिए बेटा, माइनस माइनस किस में लाई करेगा, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, ये पहला वाला क्या कहलाता है बेटा, एक्स कहलाता है, और दूसरा वाला क्या कहलाता है, वाई कहलाता है। तो देखिए इसका एक्स भी माइनस में है और वाई भी, तो ये वाले में आएगा, ये किस में आएगा बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट देखिए बेटा, इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, ग्रेटर देन जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो से ज्यादा है, जीरो से ज्यादा है, तो मतलब एक्स क्या हो सकता है, तो लेट एक्स इज इक्वल टू क्या हो सकता है बेटा, जीरो से बड़ा होना चाहिए, तो 1 2 3 कुछ भी लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, जीरो से क्या होना चाहिए, बड़ा। और वाई क्या होना चाहिए बेटा, लिखा है वाई क्या है, जीरो से छोटा, जीरो से छोटा मतलब क्या हो जाएगा, -1 -2, ये सभी चीज क्या हो जाएंगे बेटा, जीरो से छोटे, इस टाइप का वाई हो सकता है, जीरो जो है बड़ा है और वाई जो है क्या उससे छोटा, तो वाई के पॉइंट ऐसे होंगे। तो इसका मतलब है अगर मैंने कोई भी पॉइंट बनाया है तो वो क्या हो जाएगा बेटा, वो पॉइंट होगा आपका जैसे 1 और क्या हो जाएगा -2, मतलब क्या है, एक्स जो है वो क्या है, इसमें देखिए एक्स जो है वो ग्रेटर देन क्या है बेटा, जीरो, और वाई क्या है बेटा, लेस देन जीरो। तो ऐसा पॉइंट जिसका ये प्लस में हो और ये निगेटिव हो, तो हमने आपको अभी बताया था कि इस क्वाड्रेंट में क्या होता है बेटा, ऑल प्लस प्लस होते हैं, इसमें इसमें क्या होता है बेटा, माइनस प्लस होता है बेटा, इस वाले में क्या होता है बेटा, माइनस माइनस होता है, इस वाले में क्या होता है बेटा, प्लस और क्या होता है माइनस। अब ये आप देखिए बेटा, इसमें लगभग इस तरह के पॉइंट होंगे जो पहला पॉजिटिव होगा और दूसरा निगेटिव होगा, पहला पॉजिटिव होगा और दूसरा निगेटिव, तो ये किस में आ गया बेटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आया, किस में आया ये बेटा, फोर्थ में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, इफ ए इज ग्रेटर देन, यहाँ पर ए जो है वो क्या है, जीरो बड़ा है और ए उससे क्या है, छोटा है, और b इज ग्रेटर देन जीरो, b की वैल्यू क्या है बेटा, जीरो से ज्यादा, तो a की वैल्यू क्या है, जीरो से छोटी, जीरो बड़ा है, तो a क्या हो सकता है, लेट a इज इक्वल टू, a को मान लीजिए बेटा कि क्या हो सकता है, ये जीरो क्या है, बड़ा है, ध्यान से देखिए, और a उससे छोटा है, तो ये आपका आ जाएगा -1 -2, इस टाइप का आ जाएगा बेटा a। ठीक है, कुछ भी इस टाइप का हो सकता है, कुछ भी ले लीजिए, और उसके बाद b की वैल्यू क्या है बेटा, b इज क्या है, ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ा है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 2 4, ठीक है ना,
थ्री कुछ भी होगा, पॉजिटिव नंबर होंगे, जीरो से क्या होंगे वो सभी। तो अब देखिए जो पॉइंट बनेगा तो उसका पहला चीज निगेटिव होगा, पॉइंट होगा तो क्या होगा बेटा, पहला ए होता है फिर बी होता है, तो ए जो है वो क्या है निगेटिव और बी क्या है उसमें पॉजिटिव, तो पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा माइनस प्लस। और आपको पता है ना बेटा क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये वाले जो होते हैं बेटा इसमें सभी प्लस प्लस, ये बार बार हमको आपको बताना पड़ रहा है, इसमें बेटा क्या है बेटा माइनस प्लस, इसमें क्या होता है माइनस माइनस पॉइंट होते हैं, इसमें क्या होता है बेटा पहला प्लस फिर माइनस, ठीक है। तो अब ये पॉइंट जो है माइनस प्लस वाला होगा, मतलब पहला ए जो है वो निगेटिव होगा और बी जो है बड़ा है तो बी क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो निगेटिव और पॉजिटिव मतलब आपका क्या आया बेटा इस क्वाड्रेंट में आया, किसमें आया सेकंड क्वाड्रेंट में। यहाँ देखिए क्वाड्रेंट हम डिनोट कर देते हैं आपको, ये क्या है आपका फर्स्ट, ये है आपका सेकेंड, ये है आपका थर्ड और ये है आपका कौन सा बेटा फोर्थ। तो ये किस वाले में आया बेटा माइनस प्लस, किस में आया बेटा, ये माइनस है और फिर प्लस है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आया, ठीक है बेटा। तो ए बी किस में लाइज करेगा बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में। फोर्थ देखिए बेटा, अब पॉइंट बोथ ऑफ हूज कोऑर्डिनेट्स आर निगेटिव लाइज इन द, अब बताइए इसमें क्या होता है बेटा, अभी आपको बताए थे ना प्लस प्लस, सबसे पहले आप वही लिखिए प्लस प्लस होता है इसमें, फिर इसमें होता है माइनस प्लस पॉइंट होते हैं, इसमें क्या होते हैं बोथ माइनस माइनस होते हैं बेटा, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं बेटा, पहला होता है प्लस फिर होता है माइनस, ठीक है ना। अब इसमें बताया है कि निगेट यहाँ है द पॉइंट बोथ ऑफ हूज कोऑर्डिनेट्स आर निगेटिव, जिसका दोनों ही निगेटिव हो, ठीक है ना निगेटिव, तो ये किस में आएगा बेटा, ये इस क्वाड्रेंट में होगा, किसमें क्वाड्रेंट होगा इसमें, तो इसको क्या कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं ना, दिस इज फर्स्ट दिस इज सेकंड दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ, सो ये किसमें आएगा बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में, बोथ आर निगेटिव, तो बोथ निगेटिव है तो मतलब बोथ है निगेटिव, किसमें होगा बेटा ये थर्ड में होगा, ठीक है ना, इसमें होता है थर्ड में। अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, द पॉइंट अदर देन ओरिजिन, ओरिजिन के अलावा कोई भी पॉइंट, ठीक है ना, तो ओरिजिन में तो जीरो जीरो होता है आपको पता है, ठीक है, तो ओरिजिन के अलावा कोई भी पॉइंट फॉर विच एब्सिसा इज इक्वल टू द ऑर्डिनेट विल लाई इन द क्वाड्रेंट, मतलब जिसका क्या हो बेटा एब्सिसा इक्वल हो किसके ऑर्डिनेट को, एब्सिसा किसे कहते हैं, जैसे हम एक्स और वाई लिखते हैं तो ये आगे वाले को क्या कहते हैं दिस इज एब्सिसा, ये क्या होता है बेटा एब्सिसा, और पीछे वाले को क्या कहते हैं बेटा हम ऑर्डिनेट, ठीक है ना, तो ये होता है बेटा एब्सिसा और ये होता है ऑर्डिनेट, ये वाला होता है वाई क्या होता है बेटा ऑर्डिनेट होता है, ठीक है। तो बोला गया है कि दोनों इक्वल हो, तो मतलब अगर आपका आगे वाला क्या हो टू हो तो पीछे वाला भी क्या हो टू हो, या आगे वाला आपका माइनस थ्री हो इक्वल हो तो पीछे वाला भी क्या हो माइनस थ्री हो, तो बोथ आर क्या हो जाएगा इक्वल, अगर दोनों ही क्या हो इक्वल हो, तो ऐसे स्टेज में बेटा क्या होगा पॉइंट किस में होगा, तो ये देखिए ये वाला पॉइंट जब बोथ आर पॉजिटिव और जब बोथ आर निगेटिव हो, तो बोथ पॉजिटिव किस में होते हैं इसमें होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये है प्लस प्लस बेटा, ये क्या होता है आपको फिर से बताते हैं माइनस प्लस होता है बेटा, दिस इज माइनस माइनस, अब आपको एकदम क्लियर हो गया होगा और लर्न भी हो गया होगा ये किस में क्या होता है बेटा, ये देखिए ये क्या है फर्स्ट, ये है आपका सेकेंड, ये है आपका थर्ड और ये है आपका बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। तो अब बताइए ये पॉइंट किस में लाई करेगा टू 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 टू, तो इसमें लाई करेगा बेटा, ठीक है, ये वाला जैसे पॉइंट अगर हम टू टू बनाया तो ये है आपका, अगर सपोज इसको आगे लिख देते हैं हम ए और ये लिख देते हैं आगे बी, तो ये वाला पॉइंट आपका क्या हुआ बेटा टू टू, ए में लाई कर दिया और बी हमने बनाया माइनस थ्री, तो ये आपका देखिए कहाँ आया माइनस थ्री यहाँ आया, ठीक है ना, तो ये आपका बी हो गया, इसका मतलब है किस किस क्वाड्रेंट में आया बेटा फर्स्ट और थर्ड, किसमें आएगा बेटा जब इक्वल होंगे ऑर्डिनेट तो फर्स्ट और थर्ड में होगा, ठीक है। सिक्स हम देखिए बेटा क्या है, द पॉइंट माइनस फाइव थ्री एंड थ्री माइनस फाइव लाई इन द, ये किसमें होंगे, तो पहले देखिए बेटा माइनस फाइव थ्री, इसको पहले बताइए दिस इज प्लस प्लस दिस इज माइनस प्लस दिस इज माइनस प्लस, इस वाले में माइनस एंड माइनस, इस वाले में क्या होगा बेटा प्लस एंड माइनस, ठीक है। अब इसके बाद इसका बताइए बेटा क्या है, ये फर्स्ट दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। अब हमको
बताया है माइनस फाइव थ्री, तो माइनस फाइव किसमें पहले माइनस होता है, तो ये आपका है सेकंड, क्या है बेटा ये वाला किसमें आएगा, ये सेकंड में आएगा, ठीक है ना। अब देखिए थ्री और माइनस फाइव, जिसका ये क्या हो पॉजिटिव, तो ये है देखिए पॉजिटिव और पीछे वाला क्या है निगेटिव, तो ये किसमें आ गया बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये किसमें हो गया फोर्थ में। तो अब बताइए यहाँ से सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट रिस्पेक्टिवली, ये वाला सही है ठीक है ना, कि पहला वाला किसमें होगा बेटा सेकेंड में, और फिर उसके बाद वाला किसमें होगा बेटा ये वाला पॉइंट किसमें होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। इसमें हमने आपको समझाया अभी द पॉइंट वन माइनस वन टू माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, ये सब जो है क्या है ऑल लाई इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। तो पहले हम देखते हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में है, पहले इसको देखिए ये है आपका प्लस प्लस, ये है आपका माइनस प्लस, ये है आपका बेटा माइनस एंड माइनस, फिर ये है आपका बेटा माइनस के बाद है प्लस और माइनस, ठीक है ना। क्वाड्रेंट बेटा कौन कौन सा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फिर ये है आपका फोर्थ, ठीक है। अब देखिए आपका बेटा ये किस क्वाड्रेंट में होगा, वन और माइनस वन, पहला वाला क्या है बेटा प्लस और दूसरा वाला क्या है माइनस, तो ये प्लस माइनस ये फोर्थ में आ गया, ये किस में हो गया बेटा, ये वाला तो आपका फोर्थ में है ठीक है ना। ये किस में है बेटा, पहला प्लस और दूसरा क्या है माइनस, पहले क्या है प्लस, तो ये भी किस में आ गया बेटा फोर्थ में आ गया। अब ये देखिए माइनस माइनस ये दोनों ही माइनस है, तो ये किस में आ गया बेटा थर्ड में आ गया इस वाले में देखिए, ठीक है। और फिर ये वाला क्या है बेटा, पहला प्लस और फिर माइनस, तो ये फोर्थ में आ गया, ठीक है। देखिए और लाई थर्ड क्वाड्रेंट और लाई सेकंड और लाई फोर्थ, तो इसमें ये वाला देखिए ये फोर्थ में है, ये भी फोर्थ में है, पर ये वाला जो है पॉइंट, कौन सा पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है ये आपका किसमें नहीं है बेटा, ये वाला जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट आपका थर्ड में है, ठीक है ना। तो डू नॉट लाई ये सेम में नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट देखिए बेटा थर्ड में और सभी तो फोर्थ के हैं, ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट देखिए बेटा द पॉइंट जीरो माइनस एट, क्या है बेटा पॉइंट जीरो और माइनस एट, मतलब वाई में उसका वैल्यू क्या है माइनस एट, तो ये सिक्स है यहाँ तक, तो बेटा नीचे तक आ जाएगा, समझिए यहाँ पर लगभग आएगा, ठीक है ना, इसी लाइन में नीचे आएगा, ठीक है, क्योंकि एक्स तो इसका जीरो है, तो यहाँ पर आएगा ये पॉइंट, ठीक है, जीरो माइनस एट ये वाला। अगर आप बनाएंगे इस पॉइंट को सपोज नाम देते हैं जीरो और माइनस एट, सपोज हम नाम दे देते हैं इसको ए, ठीक है ना, तो जीरो माइनस एट यहाँ पर ए बनेगा, ठीक है ना, जीरो और माइनस एट, ये हमने एज्यूम कर लिया है कि नीचे जैसे है सेवन है फिर एट है, ठीक है ना, माइनस सेवन है इधर तो उसके नीचे और एट है, ये देखिए जीरो माइनस एट इस लाइन पे आया, ठीक है, तो ये किस पे आया बेटा ऑन वाई एक्सिस, ये पॉइंट किस पे बना वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे तो बना नहीं, सेकेंड क्वाड्रेंट पे भी नहीं, फोर्थ पे भी नहीं, ये किस पे आया बेटा y एक्सिस पे आया है द पॉइंट माइनस सेवन जीरो। देखिए जिसका y जीरो होता है, जिसका y जीरो होता है वो x एक्सिस पे लाई करता है, तो ये किस पे आ जाएगा बेटा, ये वाला किस पे आ जाएगा x एक्सिस पे लाई कर रहा है ऑन द निगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, ठीक है ना, x एक्सिस पे लाई करेगा पर किस पे निगेटिव तरफ, यहाँ पर x एक्सिस पे होगा ये पॉइंट और कहाँ होगा निगेटिव की तरफ, जैसे यहाँ तक आएगा लगभग, ठीक है ना, तो ये पॉइंट आपका होगा अगर हम इसको माइनस सेवन और जीरो को हम ए मान ले, ठीक है ना, तो ये यहाँ पर ए पॉइंट होगा, ठीक है, माइनस सेवन है ना, यहाँ से माइनस सिक्स है, ये पॉइंट आपका ए हुआ, ठीक है ना, ये ए पॉइंट हुआ माइनस सेवन और जीरो, मतलब ये क्या है निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पर, ठीक है। आपको सब सवाल अच्छे से समझ में आ रहा है बेटा, बहुत ईजी है, बस ये आपको क्लियर होना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉइंट क्या होते हैं बेटा प्लस प्लस, देन होते हैं सेकंड में माइनस प्लस पॉइंट, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट दोनों ही माइनस माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा पॉइंट होते हैं प्लस फिर माइनस, बस ये अच्छे से ध्यान रखिएगा, फिर पॉइंट को देखिएगा तब पॉइंट की आप पोजिशन बता सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए क्या है द पॉइंट विच लाई ऑन द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर है, ठीक है ना, एट द डिस्टेंस ऑफ फाइव यूनिट इन द निगेटिव डायरेक्शन ऑफ द वाई एक्सिस, बोला गया है वाई एक्सिस पर निगेटिव की तरफ, मतलब यहां पर होगा, ठीक है ना, ये पॉइंट जो है यहां पर होगा बेटा, तो इसको सपोज मान लिया हम बेटा ए, ठीक है ना, ए मान ली, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, ए की वैल्यू क्या होगी, एक्स में तो है ये जीरो,
एक्स में है ये जीरो, क्या है एक्स इसका क्या है जीरो, और वाई क्या है इसका माइनस फाइव, ठीक है ना। ये हमने मान लिया ए इज इक्वल टू जीरो माइनस फाइव, ठीक है ना। ये पॉइंट डिनोट किया यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए बेटा, द ऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज, क्या है बेटा द ऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज, एक्स एक्सिस पर जो होता है तो उसका ऑर्डिनेट क्या होता है बेटा, जब एक्स एक्सिस पर ही कोई पॉइंट लेंगे, एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट लेंगे तो ये देखिए एक्स एक्सिस है, इस पूरे एक्स एक्सिस पर वाई क्या है जीरो है, ये क्या है वाई जीरो है, मतलब ये क्या है द ऑर्डिनेट इसका क्या होगा जीरो। कोई भी एक्स एक्सिस पर लेंगे, देखिए यहाँ पर इस पे लें इस पे लें, इन सभी पर वाई की वैल्यू क्या होगी जीरो होगी, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा आपको। फिर उसके बाद है इफ द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज जीरो, अगर वाई कोऑर्डिनेट जो है पॉइंट का क्या है जीरो है, देन द पॉइंट ऑलवेज लाई, अगर वाई जैसे किसी भी चीज का वाई जो है जीरो है, अगर हमने सपोज एक पॉइंट लिया, तो सपोज पॉइंट लिया ए और जीरो, क्या लिया बेटा ए और जीरो, अगर हमने क्या ले लिया बेटा पॉइंट, इफ द y कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज जीरो, ठीक है ना, दिस पॉइंट ऑलवेज लाइज, अगर y क्या है बेटा जीरो, तो मतलब यहाँ पर तो कुछ होगा, इट मीन्स दिस लाइज ऑन द x एक्सिस, ये किस पे होगा x एक्सिस पर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया आपको, अगर y क्या है इसका जीरो होगा, ठीक है, y इसका जीरो होगा तो ये किस पे होगा x एक्सिस पर होगा पॉइंट। यहाँ देखिए ये पॉइंट दिए हैं, इफ जीरो और ये ए पॉइंट, ये बी, ये सी आर फोर गिवन पॉइंट्स, देन द फिगर ए ओ बी सी, तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले ड्रॉ करते हैं ये पॉइंट की पोजीशन, ड्रॉ करते हैं ओ, तो ये आपका क्या है बेटा ओ, ये पॉइंट ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं ओ, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद पॉइंट ए क्या है बेटा थ्री जीरो, मतलब एक्स पे है थ्री, ये पॉइंट है बेटा, इसको हम क्या मान लेते हैं ए, ठीक है ना, ए क्या है बेटा थ्री और जीरो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा बी, बी की वैल्यू क्या है बेटा थ्री, एक्स में क्या है बेटा थ्री और वाई में क्या है बेटा फोर, ये है बेटा बी, ठीक है ना, क्या है इसकी वैल्यू थ्री और फिर क्या है इसकी वैल्यू बेटा फोर। फिर सी, सी की वैल्यू क्या है बेटा, एक्स में है जीरो यहां पर देखिए और वाई में क्या है उसकी वैल्यू फोर, तो ये वैल्यू आपकी हो गई बेटा सी, ठीक है, सी क्या है बेटा जीरो और क्या है बेटा ये फोर, ये आपने ड्रॉ कर दिया पॉइंट बेटा, ठीक है। तो अगर आपने इसको ड्रॉ किया तो अब आप देखिए कि ये क्या बना है बेटा, ये पूछा गया है कि ओ ए बी सी, क्या है बेटा ये ओ, इसको ज्वाइन जब हमने किया तो ये क्या बन गया बेटा, दिस फिगर क्या बन गया बेटा, दिस इज रेक्टेंगल, ये क्या बन गया फिगर, रेक्टेंगल बन गया बेटा, ठीक है। अब देखिए ए का पॉइंट दिया हुआ है और बी का दिया है, आर टू गिवन पॉइंट्स, देन एब्सिसा ऑफ ए माइनस एब्सिसा ऑफ बी, एब्सिसा ऑफ ए लिखिए बेटा, पहले आप क्या लिखिएगा बेटा एब्सिसा ऑफ ए, एब्सिसा ऑफ ए, फिर उसके बाद लिखना है आपको माइनस एब्सिसा ऑफ बी, ठीक है ना, तो एब्सिसा ऑफ बी, अब आप इसको जब आप माइनस करेंगे तो क्या होगा, देखिए एब्सिसा ऑफ ए मतलब है कि आपका माइनस टू, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, एब्सिसा ए का क्या है ये है बेटा, आगे वाले को कहते हैं एब्सिसा, ठीक है, एब्सिसा ऑफ बी तो बी का क्या है बेटा माइनस थ्री, तो ये माइनस क्या हो जाएगा माइनस थ्री, अब देखिए बेटा माइनस माइनस बिकम प्लस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस टू प्लस थ्री इज इक्वल टू आएगा वन, ठीक है ना, वैल्यू क्या आ गई वन, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, तो इसमें आपका बताया गया है कि इसको कैलकुलेशन करना था बस, ठीक है। 14 के बाद है 15, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, अब इसकी डिस्टेंस बतानी है फ्रॉम वाई एक्सिस से, तो हमें ए की वैल्यू है 3, 4, तो ए में क्या है बेटा यहाँ पर है 3 और वाई में 4, इसको हम मानते हैं ए पॉइंट, ठीक है ना, इसकी वैल्यू है क्या बेटा 3 और क्या है 4, ठीक है। पहले आपने ये पॉइंट बना लिया बेटा, पोजीशन इसकी बना ली, फिर बोला गया है
वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो वाई एक्सिस तो ये है बेटा, ठीक है ना, ये है आपकी वाई एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब हम जब इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे तो ये डिस्टेंस हुई, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस कितनी है, थ्री, ये डिस्टेंस कितनी है मेरी, थ्री यूनिट है। तो ये आ गया, देखिए ये है वाई एक्सिस और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये कितनी दूरी पर है, ये पॉइंट जो है थ्री की दूरी पर है, ठीक है। एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट इज पॉजिटिव, एब्सिसा कब कब पॉजिटिव होता है, अब देखिए हम आपको फिर से बता देते हैं, ये क्या है बेटा प्लस प्लस, फिर यहाँ पर क्या होता है बेटा माइनस प्लस, देन यहाँ होता है माइनस माइनस, और फिर यहाँ होता है प्लस फिर माइनस, ठीक है। ये होता है आपका फर्स्ट, ये होता है सेकेंड, ये होता है आपका थर्ड, और ये होता है आपका फोर्थ, ठीक है ना। अब आपको क्या बताना है बेटा, एब्सिसा जो है ऑफ ए पॉइंट इज पॉजिटिव, एब्सिसा देखिए यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर पॉजिटिव है, देखिए यहाँ पर एब्सिसा निगेटिव है ना, आगे वाला निगेटिव है, आगे वाला होता है एब्सिसा, और यहाँ पर भी आगे वाला निगेटिव है, मतलब फर्स्ट और फोर्थ, ये फर्स्ट में होता है पॉजिटिव और किस में होता है बेटा फोर्थ, ये कौन सा ऑप्शन सही है, ये वाला सही है, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है। देखिए ये है आपका, ये वाला देखिए प्लस है आगे वाला, और इसमें भी क्या है आगे वाला देखिए प्लस है, ठीक आपका। ये देखिए 17 क्वेश्चन क्या है बेटा, द पॉइंट एट विच द टू कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट इज कॉल्ड, जब दो कोऑर्डिनेट जो होते हैं, ये देखिए एक एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस जब मीट करते हैं तो ये कहाँ पर करते हैं, दिस इज ओरिजिन, क्या कहलाता है, ओरिजिन कहलाता है, जीरो जीरो इसका होता है बेटा, ये क्या होता है ओरिजिन पर मीट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा 18, द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज थ्री, जिसका ऑर्डिनेट क्या हो थ्री, ऑर्डिनेट थ्री हो मतलब क्या होगा थ्री पीछे होगा, तो आगे क्या है बेटा लाइज ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर लाई करे, वाई एक्सिस पे वही पॉइंट लाई कर सकता है जिसका एक्स क्या हो जीरो, है ना, वाई एक्सिस पे वही पॉइंट लाई कर सकता है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा बी ऑप्शन सही है, ये क्या आएगा जीरो और थ्री यहाँ पर आएगा ये पॉइंट, ठीक है ना, जीरो और थ्री यहाँ पर ये पॉइंट बन जाएगा बेटा, इसका एक्स क्या हो जाएगा जीरो और वाई क्या हो जाएगा इसका थ्री, सपोज इसको ए मान लेते हैं तो ये ए पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा 19, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाई ऑन द लाइन, ये एक लाइन दी है बेटा, ठीक है, इसमें से कौन उसमें है, ठीक है ना, तो ये आपका वाई की पहले वैल्यू हमने दी है, तो वाई इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री, ठीक है ना, यहाँ पर आप लिखिए लेट, पहले वाले पॉइंट को हम सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेट एक्स की वैल्यू क्या डालेंगे टू, लेट x इज इक्वल टू टू, जब हमने x की वैल्यू 2 डाली तो ये क्या आ जाएगा बेटा 2 इंटू टू प्लस थ्री, मतलब क्या हो गया ये 4 और प्लस 3, ये क्या आ गया आपका बेटा, ये आपका आ गया 7, तो ये तो लाई नहीं किया ना, क्या आ गया बेटा पॉइंट आपका हो गया 2 और 7, तो ये पॉइंट आपका होना चाहिए 2 7, तो ये तो नहीं लाई किया 8 है, यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ गई मेरी, y की वैल्यू 7 आ गई जबकि 8 है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, लेट x इज इक्वल टू 3, जब हम 3 रखते हैं ये वाला अब हम रख रहे हैं, ठीक है, x इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पर 3 रखते हैं तब देखिए क्या होगा, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 3 प्लस 3, तो ये आ जाएगा आपका 2 इंटू 3 क्या आ जाएगा 6 प्लस 3, तो ये आपका आ गया 9, y की वैल्यू 9, तो देखिए जब हमने x की वैल्यू 3 रखा है तो y की वैल्यू 9 आ गई, मतलब ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई कर दिया है, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट क्या हो गया सही है। अब देखिए इसको भी चेक कर लेते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं, यहाँ लिखते हैं लेट x इज इक्वल टू 4, ठीक है ना, जब हम x की वैल्यू क्या डालेंगे, जब हम 4 डालेंगे, तो अब x की वैल्यू जब हमने 4 डाला तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा इसी इक्वेशन से 2 इंटू क्या हो जाएगा ये, यहाँ पर x की जगह 4 डाल देंगे तो हो जाएगा y इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 4 और प्लस 3, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 8 प्लस 3 11, तो ये 11 तो नहीं है, ये तो 12 है, तो ये भी बेटा आपका क्या हो गया, ये भी सेटिस्फाइड नहीं किया ये वाला पॉइंट भी, क्योंकि ये देखिए इसका क्या आ गया 12,
ठीक है। और इसको भी हम ट्राई कर लेते हैं बेटा, लेट एक्स इज इक्वल टू 5, ठीक है ना। अब इस पॉइंट को हम सेटिस्फाइड कर रहे हैं, तो एक्स इज इक्वल टू 5 डालेंगे तो क्या होगा बेटा, आपका इक्वेशन वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2, ये था ना 2x+3, तो 2 इंटू 5 और प्लस 3, तो यहाँ पर हमने किया तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 10 और प्लस 3 ये आ जाएगा 13, जबकि यहाँ है 15, तो ये भी सेटिस्फाइड नहीं किया। केवल ये वाला जो है वो आपका क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। कौन सा पॉइंट बेटा, 3 और 9, यही आपका है, यहाँ पर ये वाला सही है बेटा, ये वाला सही है। देखिए एक आ गया x^3, ये 9। नेक्स्ट देखिए बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डज नॉट लाई ऑन द लाइन, बोला है कौन सा नहीं है, पहले वाले में जो था बोला गया था कौन सा है, ये देखिए इसमें बच्चे कंफ्यूज करते हैं। इसमें था कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाई ऑन द लाइन, तो कौन सा लाई कर रहा था, केवल यही पॉइंट लाई कर रहा था और कोई भी लाई नहीं कर रहा था, 3 और 9 पॉइंट जो है वो इसमें क्या कर रहा था, लाई कर रहा था। एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 9, जैसे अगर हम इसमें ड्रॉ करेंगे तो ये ऊपर तक आएगा कहीं पर, ठीक है ना, इसी लाइन में ऊपर तक आएगा। ये देखिए इसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट, मतलब और सभी तो लाई करेगा, केवल एक ही पॉइंट ऐसा होगा जो नहीं लाई कर रहा होगा। तो देखिए चेक करते हैं, सबसे पहले हम फर्स्ट को चेक करते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू 1, पहला 1 दिया ना, तो 1 को चेक करते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू 1, तो इक्वेशन क्या है आपकी बेटा, वाई इज इक्वल टू 3x+4, तो 1 डाला हमने तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 3 × 1+4, मतलब क्या आ गया, 3 + 4, तो ये आ गया 7, तो ये तो लाई कर रहा है, ये वाला क्या हो रहा है, लाई कर रहा है ये वाला पॉइंट, ठीक है, क्योंकि पीछे क्या है, 7 आ गया। अब इसमें देखिए 2 और 10 वाले में, लेट एक्स इज इक्वल टू क्या है बेटा आपका, एक्स की वैल्यू क्या है, 2 डालते हैं, एक्स की वैल्यू जब हमने 2 डाली तो ये क्या आ जाएगा बेटा, वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3, यहाँ पर है देखिए 3 × ये क्या रख देंगे अब हम 2 और प्लस 4, तो ये आपका आ जाएगा 6 + 4, तो 6 + 4 करेंगे तो कितना आएगा आपका बेटा, 10। ये वाला भी देखिए, जब हमने x की वैल्यू क्या रखी बेटा, 2 रखी, तो ये आ गया 10, ये भी सही आ रहा है, ठीक है ना, इसकी वैल्यू 10 आ गई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, लेट x इज इक्वल टू -1, क्या रखना है अब हमको, -1, तो क्या होगा बेटा, जब हमने -1 रखा तो इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 3 और ये क्या करेंगे, −1, ये है इंटू का निशान, मल्टीप्लाई का निशान है, -1 और ये +4, ठीक है ना, ये इक्वेशन है, तो ये आपका आ जाएगा -3 और +4, तो ये वैल्यू क्या आ गई, 1। तो इसमें भी देखिए, जब हमने x की वैल्यू -1 रखा तो ये क्या आ गई, 1, ये वैल्यू 1 आ गई, तो ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है। अब इसको देखते हैं बेटा, लेट x इज इक्वल टू क्या लिख दे बेटा, अब हम लेट x इज इक्वल टू क्या लिख दे, 4, इसको ट्राई करते हैं, x की वैल्यू लिख दी हमने 4, तो 4 जब हमने लिखी तो ये कितना आ जाएगा बेटा, दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 3 × 4 + 4, तो ये आ जाएगा 12 + 4, मतलब 16, यहाँ पे वैल्यू 16 आनी चाहिए, यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, 12, ये देखिए बेटा ये वैल्यू जो है 12 दी हुई है, ये वैल्यू क्या दी हुई है, जबकि मेरा क्या आया है यहाँ पर बेटा, यहाँ पर आया है 16, तो ये आपकी सेटिस्फाइड नहीं कर रही कि जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 16, और सब में देखिए जब x की वैल्यू 1 डाली तो y की वैल्यू आई 7, सेटिस्फाई कर गया, जब x की वैल्यू हमने 2 डाली तो y की वैल्यू आ गई 10, सेटिस्फाइड कर दिया बी पॉइंट। सी में जब हमने x की वैल्यू डाली बेटा -1, तब y की वैल्यू क्या आ गई मेरा, +1, पॉजिटिव आ गई, तो ये भी पॉइंट सेटिस्फाई हो गया। इस वाले पॉइंट में जब हमने x की वैल्यू 4 डाली तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 16, जबकि 12 दिया हुआ है। तो बोला विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स डज नॉट लाई, कौन इनमें से है, कौन ऐसा पॉइंट है जो y इस लाइन पर नहीं है, तो ये वाला आंसर मेरा सही है, यही लाइन पर नहीं है, ठीक है ना, ये आप ध्यान दीजिएगा इसका क्या हो जाएगा, ये वाला नहीं है, ठीक है, और ये सभी जो है इसमें है, आपको इसमें क्लियर हो गया होगा, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, और ये क्या होता है बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ठीक है, आपको ये पूरा सवाल सभी क्लियर हो गया होगा।
ये बहुत ध्यान से देखिएगा कि इसमें लाई नहीं कर रहा है पूछा है, और इसके पहले वाले में पूछा था कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है, ठीक है ना, कौन सा पॉइंट, तो और सभी का आंसर गलत आ रहा था, केवल इसका सही आ रहा था। ठीक है, तो आप लोग को ये सब क्लियर हो गया होगा बेटा। ठीक है, सारे सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे, आप खूब अच्छे से सब सवालों को लगा लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, और हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो पहली वीडियो बनाई है उसको भी देख लीजिए इंट्रोडक्शन की, उसमें बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और जितना मैंने क्लास 8 का, 9th का और 10th का ये मैथ और साइंस पे वीडियो बनाई है, मेरे पोटेंशियल मैथ्स चैनल पे जाके ज़रूर देखिए, आपके लिए ज़रूर ये बेनिफिशियल होगा। अगर आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया अब तक तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके बेटा, पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए मन लगा के। बाय बाय बेटा।